भी है अदालत आलिया के मौजूद जज साहबान से कि पहले ही जो इनको कोई 20-22 दिन का रिलीफ मिला है, इन्होंने 20-22 दिनों में 100 अरब रोज़ाना की रफ्तार से जो है वो करप्शन की है और लूट मार का बाज़ार जो है वो हुकूमत से ले कर यहाँ असम्बली तक गर्म है। 5 करोड़ रुपए में यूनिवर्सिटी बिक रही है। 5 करोड़ रुपए आप दें और भले आपके पास जो है वो 5 मरले जगह हो, यहाँ असम्बली से जो है वो यूनिवर्सिटी का बिल जो है वो पास हो जाएगा और एक्ट बन जाएगा। यहाँ पे जो फ्रंट मैन उनका अनायत लक नामी बंदा बैठा है, वो बंदा करोड़ों रुपया जो है वो कमा रहा है ख़ुद भी और आगे भी पहुंचा रहा है। इसी तरह से आटे की शॉर्टेज तो दूर नहीं कर सकी हुकूमत इन 20-22 दिनों में कि गरीब आदमी को जो है वो उसका पेट भरने के लिए आटा मिले, लेकिन मास्टर प्लान जो है वो उन्होंने पास कर दिया और उसमें अरबों रुपया जो है वो इकट्ठा किया। और इस करप्शन में इमरान खान ज़ाती तौर पे भी शामिल है। इमरान खान ने DGLDA को बुला के एक प्रॉपर्टी टाइकून, एक बड़ा प्रॉपर्टी ग्रुप, उनका कोई तकरीबन जो है वो 20,000 एकड़ रकबा जो है वो ब्राउन करवाया है ये काला शाह काकू वाली साइड पे, और ये ख़ुद करवाया उसने। इससे पहले भी उसे 50 अरब रुपए का फ़ायदा दिया और अल कादर जो ट्रस्ट है उसके नाम पे 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अपने और अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम जो है वो लगवाई। उसमें से कुछ प्रॉपर्टी बनी गाला में फरा गोगी के नाम भी है। तो ये करप्शन जो है ये 20-22 दिनों में इतनी रफ्तार से हुई है, इतनी रफ्तार से हुई है कि कोई इसमें पीछे नहीं है। यानी लूट मची हुई है यहाँ पंजाब में और एंटी करप्शन में वो एक सफ़ेद दाढ़ी वाला जो बंदा बैठा है इंतहाई वो बेगैरत शख्स है, उसने वहाँ पे जो है वो लूट सेल लगाई हुई है। जाएं जाके पैसे दें और जो मर्ज़ी जो है वो काम जो है वो करवा लें। और वैसे ही वो DG जो है वो भी रोज़ शाम को जो है वो अपना रोकड़ मिला के हिसाब करके जाता है। तो इस लूट मार को रोकने के लिए इसमें एक एक दिन जो है वो पंजाब के आवाम पर भारी गुजर रहा है। इस लूट मार को रोकने के लिए हमारी ये इस्तदा है अदालत आलिया से कि वो इसका जल्द फैसला करें और इनको मज़ीद मोहलत ना दें। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये दाव लगाना चाहते थे पिछले 2 दिन भी और आज फिर इनका ये है कि ये ऐसे ही को बंदे बुंदे इधर उधर से इकट्ठे करके तो ये कहें कि जी हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है। हालांकि इनके पास 186 का नंबर नहीं है, इनके तकरीबन 6-7 बंदे जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। हमें मालूम है कि वो कब कब उन्होंने जो है वो सफ़र किया, किस एयरपोर्ट से किया और किस टिकट नंबर पर वो जो है वो गए हैं। हमारे पास वो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अब इसके बावजूद अगर ये यहाँ पे जो है वो 175 बंदे इकट्ठे करके 186 का ड्रामा करेंगे तो ये इनका एक और फ्रॉड होगा, ताकि ये अपने फ्रॉड को, अपनी करप्शन को और 20-22 दिन या 15 दिन जितना भी चला सकें ये चलाएं। मोनस अलाई साहब जो है वो सारे जो पैसे थे वो इकट्ठे करके ले गए हैं बाहर स्पेशल जो है वो जहाज़ में, और अब मेरा ख्याल है कि वो तो शायद वापस ना ही आएँ, लेकिन ये बाकी जो है बाकियों का भी इरादा यही है कि जो इकट्ठा होता है, जो इकट्ठा होता है वो इकट्ठा करके जो वो ले जाएं। लेकिन मैं उस बेशर्म इंसान से पूछता हूँ, उस फितने से मैं पूछता हूँ कि तुम जो राग अलाप रहे हो 5 साल से, चोर चोर, डाकू डाकू, करप्शन करप्शन, ये तुम जो कर रहे हो इस वक्त, जो तुम्हारी निगरानी में ये तुम्हारी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, KPK में भी हाल बुरा है, ये सारा क्या है? तुम क्या कौम को जवाबदेह नहीं हो? क्या तुम समझते हो कि कौम जो है वो जानती नहीं है, कौम को मालूम नहीं है कि किस तरह से तुमने जो है वो करप्शन का जो है वो
बाज़ार गर्म किया हुआ है। हमें ये मालूम है कि इनके पास नंबर नहीं है, इन्होंने दो दिन दाव लगाने की कोशिश की, नहीं लगा। आज दोबारा जो है इन्होंने कोशिश करने का इनका इरादा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनको इस कोशिश में जो है वो हम कामयाब नहीं होंगे। इसमें मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा, देखिए अभी फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया कि हम 177 हैं और 10 लोग काफली के आ रहे हैं। मोमना वहीद नहीं है यहाँ पे, एक इनका डेरा गाजी खान से मेंबर है, जवेद अख्तर लुंड वो लाहौर नहीं है, हाफिज अमार यासिर जो है वो चकवाल में है। देखिए इस तरह ना करें, अगर आपका ख्याल है ना कि आप झूठ बोल के यहाँ पे आप एक ड्रामा शुरू कर देंगे कि हमारे नंबर पूरे हैं, और डिप्टी स्पीकर सूरी ने जो नेशनल असेंबली में किया था वही काम आप यहाँ करेंगे कि दरवाजे बंद कर देंगे और कहेंगे कि हमारी 186 की गिनती पूरी है, ये नहीं होगा। हमें पता है आपका एक सरगोधा का मेंबर यहाँ पे नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, आपका एक खानेवाल का मेंबर यहाँ पे नहीं है। आप पता करवाएं ना कि आपके ये 8-10 मेंबर जो परवेज इलाही साहब से नाला हैं और यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये धक्काशाही और धांधली करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि दरवाजे बंद करके आप क्लेम कर लें। इनके 12 मेंबर इस वक्त नहीं है, काफ लीग के अगर 10 आ भी जाएं, बासिमा चौधरी साहिबा मुल्क में है ही नहीं, वो अमेरिका में है। आप मैंने अब FIA से लिस्ट ली है, जब खुरम लगारी मुल्क में नहीं है, बासिमा चौधरी मुल्क में नहीं है, ये बाकी 6-7 नाम मैं ले रहा हूँ कि यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये झूठ बोल के कि हमारी गिनती 177 है और 10 काफ लीग के आ रहे हैं, तो ये कोई उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास है, जो बैरून मुल्क है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास है। तो ये अगर आज 186 की गिनती पूरी करने की कोशिश की गई तो हम टेक्निकल डेटा के साथ, मैं वजीर दाखिला की इजाज़त के साथ ये कहता हूँ कि हमारे पास FIA का डेटा और उसके अलावा लोकेशनें भी हमारे पास हो जाती होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके तहत बंदे की लोकेशन पता लग जाती है, ये टेक्निकल काम है। अगर ये मामला आपने किया तो हम जियो फेंसिंग करा के आपको ऐसा शर्मिंदा करेंगे कि आपको फवाद चौधरी साहब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बिलियन रुपीज जो है वो उनको दिए गए, वो जो फवाद चौधरी साहब ने कल इल्ज़ाम लगाया है कि 1.2 अरब रुपए आपने मेंबरान असेंबली को देकर खरीदा है, कभी मोमना वहीद पे इल्ज़ाम लगा नहीं। अगर हमने खरीदा है तो फिर आज उनके 177 कैसे हैं यहाँ पे? बात यह है कि ये झूठे लोग हैं, इनका काम है कि झूठ बोलो, प्रोपेगंडा करो और इस तरह से जो है एक बयानिया बनाओ। जी उस बारे में मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करनी चाहूँगा, वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करनी चाहूँगा, इत्तेहादी हुकूमत को और उनकी पूरी टीम को। ये पिछले यानी 7-8 माह में ये पहली मर्तबा है कि वो इकॉनमी जिसका भट्ठा इमरान खान नियाज़ी और उसकी टीम ने बिठाया था, ये पहली दफ़ा ये उम्मीद जो है वो सामने आई है कि इंशाल्लाह ताला हम एक इस इकोनॉमिक क्राइसिस से जो है वो बाहर निकल आए। कबूल होगा जी, जो भी जिस साइड पे भी आता है, अदालती फैसला जो है वो आईन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, और इस तरह की जो अफवाहें जो है वो क्या सराइयाँ हो रही हैं, हालांकि हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन क्योंकि उनका एक बहुत करीबी अजीज़ जो है वो इस कैबिनेट का मेंबर है जो कैबिनेट डिसॉल्व हुई है, तो इसलिए लोग क्या सराइयाँ जो है वो लोग कर रहे हैं, तो मुझे तो उनसे ये उम्मीद है कि वो भी इन क्या सराइयों को जो है वो ख़त्म करवाएंगे और ये बहुत ही इंसाफ पे मबनी, आईन और कानून पे मबनी जो है ये फैसला होगा। आज़म मलिक फिर आते हैं। आज़म मलिक शॉर्ट की बता दीजिएगा, जैसे आपने बताया कि 7 से 8 मेंबर्स यहाँ पर नहीं है, दास साहब बता रहे हैं, इस सूरत हाल से निपटने के लिए मुस्लिम लीग ने आज दीवान के अंदर क्या लाहे अमल अपनाया? देखें, लाहे अमल ये है कि एक तो हम मीडिया के सामने आपको बता रहे हैं, आप मीडिया का ये काम है कि लोगों को सच बताए, सच दिखाए, तो जो हम बात कर रहे हैं वो आपके सामने हमने रखी है, इसको हम साबित करेंगे और टेक्निकल डेटा से साबित करेंगे। वो जो कह रहा है कि 177 हैं तो वो आपको आज अलाउ करें, जब उन्होंने काउंट करवाना है तो 170 गिनवा दें आप। धन्यवाद राठौर जी। ये फरमा दीजिएगा, ये लाहौर हाईकोर्ट थी
और आज भी यही लाहौर हाईकोर्ट है, तब हमजा शहबाज शरीफ का केस था तो उस वक्त ट्रस्टी वजीर आला का नाम दे दिया गया, आज इनको पहले 17 से 20 दिन दे दिए गए, अब आगे भी वक्त दिए जाने का चांस है, इस पर क्या कहेंगे? क्या जी मैंने जो अर्ज किया है अदलिया के एहतराम और उनकी इज्जत को मलहूज़ खातर रखते हुए, हम इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो मैंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये मुद्दबाना सबमिशन की है कि वो इस किस्म की चीज़ों जो हैं वो आगे बढ़ें और इन चीज़ों को जो है वो ख़त्म करवाएं और कल जो है ये फैसला होना चाहिए और ये करप्शन की दौड़ जो लगी हुई है ये ख़त्म होनी चाहिए। सानिया वज़ीराबाद से वादे से जीआईटी की 4 इतराफी नोट पर मुश्किल से ये सामने आया। हसन रजा फिर इधर आते हैं और ये इंतहाई अहम इशू था। हसन रजा के बाद जो जीआईटी के मेंबरान थे उन्होंने इतराफी नोट लिखा और ये कहा कि एक के अलावा हमें और कोई मुलजम नहीं देखने को मिला, तमाम तार एविडेंस भी देखे, तो देखें वज़ीराबाद का जो वाकया है इस हद तक दुरुस्त है कि नवीद बशीर नामी आदमी जो रिलीजियसली मोटिवेटेड था और सेल्फ मोटिवेटेड था उसने वहाँ पे जो है वो फायरिंग की है और उसके नतीजे में जो भी लोग ज़ख्मी हुए वो दुरुस्त है। कंटेनर से एक फायर हुआ है और वो मौज़म को लगा है जिससे मौज़म जो है वो हलाक हुआ है और नवीद बशीर को मौके पे अरेस्ट कर दिया गया, ये तो वाकया है, यहाँ तक तो हकीकत है। बाकी उसके अलावा ये उस मामले को एक ऐसे केस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, दो और मुलजम शामिल कर रहे हैं ताकि ना वो मिले ना बात ख़त्म और ये इनका प्रोपेगंडा चलता रहे। ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं जो जेआईटी की रिपोर्ट ग़ुलाम मोहम्मद डोगर ने पेश की वो बिल्कुल जो है वो पीटीआई की फरमाइश पे थी और वो गलत थी। अब तो चार एक की रिपोर्ट होगी, जो वो चार एक की रिपोर्ट वो चार लोगों ने जो है उन्होंने हकायक के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी है। जी मैंने तो इससे पहले जो सारी बात की है और सारे हकायक सामने रखे हैं, हमारी तो ये रिक्वेस्ट होगी अदालत आलिया से कि वो इस अरसे को कम से कम करे क्योंकि अदम एतमाद का बोर्ड लेंगे 22 दिन तो पहले मिल चुके हैं, अब 10-15 दिन की क्या। अदनान शेख हो गया जी। पीटीआई के लोगों ने कहा है, पीटीआई के लोग ये दावा कर रहे हैं कि राणा साहब जिस दावे से जिसने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं कि उनके पास नंबर पूरे हैं, तो क्या ये आपकी अपनी कोशिश है या जो कोशिशें करने वाले हैं उनकी दोस्तों की कोशिश है? उनकी वजह से है, ये हमारी अपनी कोशिश है। आज दो लोग गिरफ्तार भी हुए हैं उसके फ्रंट में, आपके सामने नवाज भट्टी है, नवाज भट्टी है, मज़र है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस से तो गिरफ्तार हुए ना जी। और बात ये है कि वो सायरा अनवर अभी तक पेश नहीं हो रही, वो समझती है वो कानून से मुबारा है, पेश सबको होना पड़ेगा, जवाब देना होगा, इसमें अरबों रुपए की करप्शन है, आके FIA को फेस करें, जवाब दें। लास्ट क्वेश्चन बहरहाल वीडियो जो है वो गंदे लोगों की फिर गंदी होती हैं, लेकिन मामला ये है कि इस उम्र में भी आके अगर बंदा बाज ना आए तो फिर जो है वो उसकी अच्छी वीडियो भी जो है ना वो भी फिर अदरवाइज होती है जी। नहीं यही है, चोरी साहब ही हैं। देखें मामला ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है, ये लोग जो गए हैं ये लोग वाकई जो है वो सिस्टम उस वक्त तक अलर्ट नहीं था, ये एक दो आदमी जो निकले हैं, अब सिस्टम अलर्ट है, इंशाल्लाह ताला कोई नहीं निकले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।